morning to all. In the last video, we discussed about the third stanza of the poem Ape, composed by Rudyard Kipling. Today, in this video, we will discuss the last stanza of the poem Ape, and then we will start the next poem, The Deer and the Tiger, and after that, we will start the lesson number 2 tomorrow. Sorry, 1 centimeter. Now I am going to read out the first, the last fourth stanza of the poem, which have 8 or 9 lines. What is a father addressing to his son? एक पिता अपने बेटे को क्या एड्रेस कर रहा है कि कैसे वो लाइफ में एक आइडियल पर्सनालिटी बन सकता है, किन किन क्वालिटीज को अडॉप्ट करके वो उस मुकाम तक, उस टारगेट तक, उस एम तक, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकता है. तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, देर आर सम कंडीशन फॉर अचीविंग दैट पोजिशन, एंड दैट आर बींग मैंशन बाय द फादर टू हिज सन. If you can talk with crowd and keep your virtue, virtue means quality. कि अगर आप लोगों से बात करते हैं और आप अपनी qualities को maintain रखते हैं, यानी ज़्यादा proud feel नहीं करते हैं, अपने आप में arrogance नहीं आने देते हैं, घमंड नहीं आने देते हैं, तो definitely आप एक ideal personality की ओर आगे बढ़ रहे हैं. और walk with king nor lose the common touch. चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही रिच पर्सन हो जाए, आपका जो टच है वो रिच कम्युनिटी से, किंग से आ जाए, लेकिन आप जो कॉमन टच है उसको नहीं भूलें. इट मींस द पुअर एंड द रिच आर सेम फॉर यू इन योर प्रॉस्पेरिटी. यू आर गोइंग टू मूव अहेड फॉर हैविंग ए नोबल पर्सनैलिटी. तो डेफिनेटली आप एक नोबल पर्सनैलिटी, एक आइडियल पर्सनैलिटी की ओर बढ़ रहे हैं. If neither foes nor loving friend can hurt you, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो एनिमीज है, foes और loving friends है, दोनों के साथ आप सेम बिहेवियर को शो करें, और दोनों फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो foes हो, एनिमीज हो, they cannot hurt you. If all men count with you but not too much, अगर लोग तुम पर ज्यादा डिपेंड हो जाए तो उन्हें, या तुमसे ज्यादा घुल मिल जाए तो उनको से ज्यादा घुल मिलना नहीं. ओके, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, इट मींस लाइफ का जो टाइमिंग आपको गिवन है, उस टाइमिंग का एवरी मिनट should be utilized, हर मिनट worth remembering है, worth full है, हर जो मीनिंग है, मिनट है, टाइमिंग है, समय है, मोमेंट है, उसका एक इम्पोर्टेंस है, एंड वी शुड यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ. हमारे लाइफ के एवरी मिनट को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, एंड वी शुड कंटिन्यू आवर हार्डवर्क, हमारे हार्डवर्क को कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज when we will utilize every minute of our life, we will definitely achieve the target of the life. Your is earth and everything when is more good, but a man, be a man my son. उसने last की जो lines है उसमें poet कह रहे हैं कि बेटा, if you adopt these qualities or these conditions mentioned by me to you, definitely you will be in an ideal personality, and this earth will be yours, and you will be remembered for your deeds and your thoughts and your achievements. इस पूरी poem को हमने discuss किया है, और आपका जो work है, complete poem का explanation in English, you will have to write down in your fair notebook and send the work between the given time 4 to 6 in the evening. That's all for today. Have a nice day.